हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी हियर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कोई भी SMPS में पावर ठीक से आ रहा है कि नहीं, SMPS चालू है कि नहीं, वो आज हम चेक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास जो है ये जो है अपने पास टैग का 400 वोल्ट वाला SMPS है, जिसको हम चेक करेंगे कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, मतलब चालू है कि नहीं, वो आज हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये लगाएंगे, हाँ यहाँ पे पावर कॉर्ड ये ठीक से लगा दिया है। अब ऑन करेंगे स्विच से, एक ऐसे नॉर्मल पिन लेंगे, पिन मतलब कोई भी ऐसा वायर लेंगे जो ऐसे यू आकर का हो या फिर ऐसे कनेक्टेड हो, और उस वायर को अपने यहाँ पे जो SMPS के पावर केबल है मेन जो मदरबोर्ड में लगता है, इसमें जो आपको दिख रहा है ये जो सेकंड नंबर वाला ब्लैक, थर्ड नंबर वाला ब्लैक और फोर्थ नंबर वाला जो ग्रीन केबल है उसके यहाँ कनेक्ट करने का, उनकी उसकी पिनों के अंदर अपने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये सिंपली जाएगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ये लगा दिया है, और लगाने के बाद हम पावर की ऑन करेंगे। पावर की स्विच ऑन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फैन घूमना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि ये SMPS चालू है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और जैसे ही अपने ये निकाल देंगे ये SMPS बंद हो जाएगा, मतलब इसको जो पावर ऑन ऑफ स्विच है वो जो केबल अपने निकाल दिया इसलिए ये बंद हो गया है, और इससे ये साबित होता है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।